नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे हैप्पी किचन में। आज हमने बनाए हैं आलू के पकौड़े बेसन के। दोस्तों इस तरीके से हमने बनाए हैं, देखिए कितने अच्छे तरीके से बने हैं, सिके हुए हैं। आप लोग घर में ज़रूर बना के चेक करिएगा, खाइएगा और मुझे बताइएगा प्लीज़ कमेंट में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। पकौड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ 4 से 5 मिर्च ली है, यहाँ हमने जीरा लिया है 1/2 चम्मच, यहाँ हमने लहसुन का पत्ता लिया है हरा लहसुन का, सौंफ भी हमने ली है, यहाँ पे धनिया है हरा मेरा, यहाँ अदरक की एक गांठ है। हमने 4 से 5 आलू लिए हैं उबले हुए, जो हमने उबाल के कद्दूकस कर लिए हैं। ये मेरा बेसन है 100 ग्राम। तो चलिए फिर चल रहे हैं दोस्तों, पहले चल रहे चलिए दोस्तों चल रहे हैं। फिर पहले हम बेसन लगा देंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे। इसमें हमने जीरा मिर्चा धनिया भून के पिसा हुआ डाले हैं, थोड़ी सी हल्दी भी 1/2 चम्मच ऐड कर रहे हैं इसमें हम। नमक डाल रहे हैं थोड़ा सा, इसको हम पेस्ट बना रख देंगे थोड़ी देर के लिए। अच्छे तरीके से इसको हम घोल लेंगे इस तरीके से, ना पतला रहे ना गाढ़ा रहे, अच्छे से हमें मिला लेना है। देखिए कितने बड़े इस तरीके से मिलाना है, कोई गांठ ना रह जाए इस तरीके से। तो मेरा ये हो गया है रेडी, तो इसको हम ढक दे रहे हैं 5 मिनट के लिए। हम यहाँ सौंफ डाल रहे हैं, यहाँ पे जीरा अच्छे चटकने देना है, सौंफ भी डाल रहे हैं। लहसुन का पत्ता भी इसमें डाल रहे हैं, अदरक डाल रहे हैं, और हमने पतला पतला कर लिया है कद्दूकस कर लिया है थोड़ा सा अदरक, अब इसमें हम आलू डाल रहे हैं। स्वाद अनुसार, अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप तीखा ज़्यादा डाल सकते हैं। जीरा मिर्चा धनिया पिसा हुआ रखती हो ना हो उसको ऐड कर रहे हैं। थोड़ी सी हल्दी डालना है उसमें ताकि कलर आ जाए इसका। बिल्कुल यहाँ थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालेंगे नहीं सब्जी स्वाद आ जाएगा। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, ऐसे हम धनिया ऐड कर रहे हैं, कटा हुआ धनिया हरा। हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, तेल ऐड कर रहे हैं इसमें हम, दे रहे हैं इस तरीके से जो मैंने आलू तैयार किया था।
इस तरीके से हमें गोल गोल टिक्की बना लेनी है। आप बना सकते हैं। मेरी सारी टिक्की बनके यहाँ पे रेडी हो गई है। तो इस तरीके से मुझे बेसन में ये लपेट लेना है। तरीके से आप बना के जरूर खाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। ज़्यादा नहीं डालना है, चार पाँच ही डालना है। ठीक है दोस्तों, मेरे पकौड़े सीख चुके हैं, कितने बढ़िया से कलर आ रहे हैं इसके। जब तो सीख गए हैं मेरे पकौड़े, गैस बंद कर दिया है मैंने। तो सारे पकौड़े निकाल ले रही हूँ। दोस्तों तो मेरे पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं, जो मैंने आलू और बेसन से बनाए हुए हैं। तो दोस्तों एक बार ज़रूर बना के चेक करिए और खाइएगा, मुझे बताइएगा कमेंट में कैसा है। और मुझे तो बहुत पसंद है, मौसम भी अच्छा है पकौड़े लायक। तो दोस्तों प्लीज़ बताइएगा कमेंट में, ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।